नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हो, इस वर्ष गुजरात बोर्ड ने 12वीं कक्षा में से 30% अभ्यासक्रम हटा दिया है। तो आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र विषय की और इसमें से हटाए गए कुछ मुद्दों के बारे में। यह मुद्दे ऐसे हैं जो समझने में काफ़ी मुश्किल थे, इस वर्ष इसी कारण इन्हें हटा दिया गया है और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त करें ऐसा सिलेबस आपके सामने तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मुद्दे इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत भयंकर मुद्दा आता था, वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति बनाने योग्य बातें और वृत्तांश आकृति कैसे बनती है, यह दोनों के दोनों मुद्दे इस वर्ष हटा दिए हैं और आपको ये दोनों के दोनों मुद्दे नहीं पढ़ने। तो पेज नंबर 7 और 8 पे ये दो मुद्दे हैं, आप एक बार नज़र डाल लीजिए इस पर और टिक कर लीजिए कि यह मुद्दे इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने। सबसे पहले 1.2.3 वृत्तांश आकृति, वृत्तांश आकृति आपको नहीं पढ़नी है। किस प्रकार यह बनती है, क्यों ये बनती है, इसके बारे में कोई भी चर्चा इस वर्ष आपसे नहीं होगी। उसके बाद जो पेज नंबर 8 पे मुद्दा है 1.2.3.1 वृत्तांश आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें। जब हम वृत्तांश आकृति नहीं बना रहे तो उसकी बातें हम क्यों ध्यान में रखें। इस वर्ष इन बातों को आपको ध्यान में नहीं रखना है और आपको उन बातों का ध्यान में रखना है जो आपको पढ़ना है और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। तो चैप्टर नंबर 1 की तो बात हो गई, ये दो मुद्दे इसमें से हटाए गए हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 18 पे ऐसा मुद्दा है जो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कतें भी आ सकती थी, क्योंकि यह मुद्दा है राष्ट्रीय आय की मर्यादा। राष्ट्रीय आय पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि देश में क्या चल रहा है और किस प्रकार से अर्थशास्त्र चल रहा है इसकी जानकारी उसे होना बहुत ज़रूरी है। परंतु इस वर्ष राष्ट्रीय आय की जो मर्यादा है उस मुद्दे को हटा दिया है, एग्जाम में वो पूछा नहीं जाएगा। और इसके बाद जो मुद्दा हटाया है वो है प्रति व्यक्ति आय की मर्यादा, पेज नंबर 20 पे है। ये दो मुद्दे इस वर्ष आपको इस चैप्टर में से नहीं पढ़ने हैं, अन्य सभी मुद्दे आपको इस चैप्टर में से इस वर्ष पढ़ने हैं। और 2.4.1.2 और 2.4.2.2 ये दो मुद्दों पे आप टिक लगा दीजिए, इस वर्ष आपको ये दोनों के दोनों मुद्दे नहीं पढ़ने। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। यह भी तो पता होना चाहिए ना आपको कि महंगाई कैसे बढ़ती है और चीज़ों की कीमत कैसे बढ़ती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो। इस वजह से सरकार ने इस वर्ष इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं निकाला है, पूरा का पूरा आपको ये चैप्टर पढ़ना है और आसान बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 4, काफ़ी डिफिकल्ट ये चैप्टर रहता है ऐसा कहा जाता है, पर काफ़ी सरलता से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बैंक के बारे में ही पूरा का पूरा चैप्टर है। परंतु बैंकिंग जो ये चैप्टर है उसमें से आपको जो दो मुद्दे नहीं पढ़ने उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बैंक अपने शाखा का सर्जन करते हैं, यानी एक बैंक हो गई उसकी कोई शाखा दूसरी शाखा ऐसे वो सर्जन करती है, किस प्रकार से सर्जन करती है यह आपको नहीं पढ़ना है। यानी बैंक का शाखा सर्जन का कार्य वो आपको नहीं पढ़ना है। किस प्रकार है जरा ध्यान दीजिए इस मुद्दे में, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में 4.2.1.1 एक मुद्दा आता है व्यापारी बैंक के कार्य, व्यापारी बैंक कौन कौन सा कार्य करती है, आपको सारे के सारे कार्य उसमें पढ़ने हैं। पर एक जो मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है वो कार्य मात्र आपको नहीं पढ़ना है, यानी बैंक का शाखा सर्जन का कार्य पेज नंबर 37 में ये मुद्दा आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है, ना आपको एग्जाम में इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो मुद्दा इस चैप्टर में से रिड्यूस हुआ है वो है पेज नंबर 39 में भारत में वाणिज्य बैंकों का अस्तित्व, यानी भारत में वाणिज्य बैंकों की शुरुआत कब हुई, किस प्रकार से यह अस्तित्व में आई, क्या इनके कार्य हैं और कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है और एग्जाम में भी आपको यह सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में गरीबी, और इसमें से भी आपको
कुल चार ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं पढ़ने हैं, आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। और चैप्टर नंबर 5 एक ऐसा चैप्टर था जो आपको सरलता से समझ में आ जाए, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मुद्दे भी थे जो पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आता। उसमें से कुछ मुद्दे हटा दिए गए, तो देखते हैं कौन कौन से मुद्दे इसमें से गुजरात बोर्ड ने इस वर्ष हटा लिए। तो सबसे पहले गरीबी के निर्देशक पेज नंबर 52 पे 52 पे 5.3 गरीबी के निर्देशक यह हटा दिया है, यह मुद्दा आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद जो मुद्दा आपको नहीं पढ़ना है वो है रोजगार लक्षी कार्यक्रम। अब गरीबी को हटाना है तो सरकार को लोगों को रोजगार देना पड़ता है, तो रोजगार लक्षी जो कार्यक्रम अब तक इंडिया में जो हुए इसके बारे में इस मुद्दे में हम चर्चा करते, पर इस वर्ष इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में यह मुद्दा नहीं आने वाला है। पेज नंबर 60 5.5.7 यह मुद्दा है, इस पर भी आप टिक लगा लीजिए, यह भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जाने माने दो मुद्दे जो आपको इस वर्ष नहीं पढ़ने, सबसे पहले तो आवास योजना, आवास योजना पेज नंबर 62 काफ़ी अच्छे से आपको इसके बारे में जानकारी होगी। आवास योजना यह भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़नी है और ना ही एग्जाम में आने वाली है। इसके बाद जो एक और मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा की योजना पेज नंबर 62 5.5.9 गरीबी के चलते सामाजिक में समाज में काफ़ी सारे अपराध और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बढ़ जाती है जो असामाजिक होती है, उनको कंट्रोल करने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जाती है, उस मुद्दों को हम इस पर चर्चा करते हैं, परंतु यह भी आपको नहीं पढ़ना है। एक और ऐसा मुद्दा जो पढ़ना आपके लिए काफ़ी आवश्यक था पर पता नहीं क्यों गुजरात बोर्ड ने इस वर्ष इसे हटा दिया है, और वह योजना की नाम है जन धन योजना। यह योजना आपको पढ़ना काफ़ी आवश्यक थी, परंतु इस योजना से भी कोई भी सवाल इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं है ना ही एग्जाम में आने वाले हैं। पेज नंबर 62 5.5.10 जन धन योजना यह योजना भी आपको नहीं पढ़नी, तो आप इस पर भी टिक लगा दीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 बेरोजगारी, तो बेरोजगारी में से आपको दो ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहला मुद्दा पेज नंबर 67 पे है 6.2.1 संपूर्ण बेरोजगारी, इसके बारे में आपको कोई भी सवाल नहीं पढ़ते हैं ना ही कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद जो इसी चैप्टर में से मुद्दा हटाया गया है वो 6.2.2 अर्ध बेरोजगारी भी आपको नहीं पढ़नी, संपूर्ण बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी ये दो चीज़ें आपको इस वर्ष नहीं पढ़ती। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो दो मुद्दे ऐसे हैं जो इस वर्ष आपको नहीं पढ़ने हैं। और सबसे पहला मुद्दा है भारत में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या से जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर है, इसमें आपको पेज नंबर 82 पे 7.2.2 भारत में स्त्री पुरुष जनसंख्या यह मुद्दा नहीं पढ़ना है ना ही आपके एग्जाम में यह आने वाला है। इसके बाद जो मुद्दा आपको नहीं पढ़ना है वह है उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या, यह जो मुद्दा काफ़ी लंबा है और इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। 83 पेज नंबर पे 7.2.4 यह मुद्दा आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 102 आप निकाल लीजिए और टिक लगाइए 8.5.2 कृषि से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये चैप्टर है, खेती किस प्रकार से आगे बढ़ रही है और किस प्रकार हम इसमें सुधार कर सकते हैं ये सब आपको इसमें सीखना है, परंतु कुछ मुद्दे कुल 3 मुद्दे इसमें आपको नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहला जो मुद्दा आपको नहीं पढ़ना वो है फसल की अदला बदली, जी हाँ इस वर्ष आपको फसल की अदला बदली नहीं करनी है, एग्जाम में आपसे इस संदर्भ में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, पेज नंबर 102 पे जो मुद्दा है इसे टिक कर लीजिए। इसके बाद फसल संरक्षण फसल की सुरक्षा यह भी आपको नहीं पढ़ना है, किसी भी फसल की सुरक्षा आपको इस वर्ष नहीं करनी है, पेज नंबर 102 पे 8.5.3 यह मुद्दा है इसे भी आप टिक कर लीजिए। इसके बाद इसी चैप्टर में कृषि में नए नए संशोधन होते रहते हैं, इस वर्ष आपको यह संशोधन भी नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का कृषि संशोधन आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात पॉइंट नंबर 8.5.4 कृषि संशोधन यह आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 103 पे। तो
आठवें चैप्टर में से यह मुद्दे आपको नहीं पढ़ने थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। अगर 9 की बात की जाए तो विदेश व्यापार, यहाँ पे विदेश में भी व्यापार आपको करना है इस वर्ष। और विदेश व्यापार के कुल 4 मुद्दे ऐसे हैं जो आपको इस वर्ष नहीं पढ़ने। तो चलिए कौन कौन से वो मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पेज नंबर 106 पे एक मुद्दा है, विदेश व्यापार का स्वरूप। तो विदेश व्यापार का स्वरूप आपको नहीं नाम में जाना है, ना इसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल नहीं आने वाला है। इसके बाद पेज नंबर 109 में विदेश व्यापार की वर्तमान स्थिति, वर्तमान रूप में विदेश व्यापार किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसकी गति क्या है, यह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यह मुद्दा आने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए, तो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा, भारत कितने प्रतिशत विश्व व्यापार में अपना हिस्सा जमाए बैठा है, किस प्रकार से यह आगे बढ़ रहा है, और यह सब जानकारी आपकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यह मुद्दा भी नहीं पूछे जाने वाला। यह मुद्दा 110 पेज नंबर पे 9.6 पेज नंबर, यानी उसी पेज नंबर पे एक और मुद्दा है 9.7, भारत के विदेश व्यापार का कद, स्वरूप, दिशा। भारत का विदेश व्यापार किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा को ढूंढने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करें तो पेज नंबर 124.3 औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने उठाए कदम। भारत सरकार उद्योगों के विकास के लिए कुछ कदम अभी तक उठा चुकी है, उन उठाए हुए कदमों को अब हमें नहीं गिनना है, क्योंकि एग्जाम में यह कदम नहीं पूछे जाने वाले। मेरा मतलब यह मुद्दा अब एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले। इसके बाद एक और